नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। आम्रपाली कोल परियोजना के शिवपुर रेलवे साइडिंग में विस्थापित रैयत संघर्ष मोर्चा का बैठक किया गया। इस दौरान विस्थापित प्रभावित रैयत उपस्थित होकर शिवपुर रेलवे साइडिंग की जन समस्या पर विचार विमर्श करते हुए सीसीएल को जमकर फटकार लगाई है। आम्रपाली कोल परियोजना के शिवपुर रेलवे साइडिंग में विस्थापित रैयत संघर्ष मोर्चा का बैठक किया गया। इस दौरान विस्थापित प्रभावित रैयतों ने उपस्थित होकर शिवपुर रेलवे साइडिंग की जन समस्या पर विचार विमर्श करते हुए सीसीएल को जमकर फटकार लगाई। आयतों ने बताया कि सीसीएल प्रबंधन हमारी 6 सूत्री मांगों को लेकर सकारात्मक वार्ता नहीं करती है तो 17 अगस्त से शिवपुर रेलवे साइडिंग से कोयले की धुलाई पूरी तरह से ठप कर दी जाएगी। इस दौरान रैयतों ने बताया कि हम लोगों को जमीन के बदले अब तक ना तो रोजगार मिला है और ना ही बुनियादी सुविधा जैसे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य मुहैया कराई गई है। सीसीएल हमारे यहाँ से करोड़ों की कमाई कर रही है और हम रैयत अपना जमीन देकर भी बेरोजगार बैठे हैं। सीसीएल हम रैयतों की जगह बाहरी लोगों को नौकरी दे रही है। इस बैठक में मुख्य रूप से हांडू, शिवपुर, काबरा, पोकला उर्फ कसियाडी गाँव के रैयत शामिल थे। मगध आम्रपाली कोल परियोजना के महाप्रबंधक कार्यालय डकरा के द्वारा पत्र निर्गत किया गया है, जिसमें वे स्थापित रैयत संघर्ष मोर्चा के सदस्यों के साथ त्रिपक्षीय वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हजारीबाग द्वारा निर्धारित प्रदूषण नियंत्रण मापदंड को अक्षरश पालन कराया जाए। तीसरा है साइडिंग स्थान में उड़ने वाले कोयले के धूल कण से साइडिंग के किनारे दोनों साइड स्थित भूरहितों का जमीन का फसल जो नष्ट हो रहा है उसे सीसीएल और साइडिंग जो चला रहा है वो भूरहितों को मुआवजा दे। चौथा है नकास प्राइवेट कंपनी लिमिटेड कंपनी के द्वारा सीसीएल द्वारा अधिग्रहित भूमि पर निर्मित सड़क जिसे अंबे कंपनी के द्वारा केवल उपयोग किया जाता है, साइडिंग में विस्थापित और प्रभावित रैयतों को भी ट्रांसपोर्टिंग और वाहन परिचालन के लिए अनुमति दी जाए, जो कि आम्रपाली से लेकर शिवपुर साइडिंग तक सीसीएल ने रोड बनाया है टेंडर निकाल के, उसमें गैर लोगों को उस रोड से ट्रांसपोर्टिंग करने का सुविधा नहीं दिया जाता है। पांचवा है शिवपुर साइडिंग और उसके प्रभावित क्षेत्रों में सीसीएल के सीएसआर के अंतर्गत बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था की जाए, जिसमें से ये पॉइंट के पर हम लोग को कहना है कि ये जो रेलवे हो या कोलवरी हो, यहाँ से मुनाफा पिछले वर्ष विगत वर्ष में 1500 करोड़ रुपये का मुनाफा ये गवर्नमेंट को रॉयल्टी के रूप में दिया और इस पंचायत में, इस गांव में, इस जगह में, शिवपुर साइडिंग में आज तक न किसी के द्वारा न चापा कल लगाया है, न सड़क का निर्माण किया गया है और न चिकित्सा का व्यवस्था किया गया है। किसी भी प्रकार के यहाँ लोगों को सुविधा नहीं मिला है। यहाँ तक कि रैयतों को जिसका जमीन में 4-4, 5-5 एकड़ में रेलवे ट्रैक बना के दौड़ा रहा है, उस जमीन दाता को, भूरैयत को अभी तक न मुआवजा मिला है, न वैकल्पिक रोजगार मिला है। छठा, साइडिंग में रेक लोडिंग का कार्य विस्थापित रैयत मजदूर से हैंड लोडिंग के द्वारा कराया जाए और रैक लोडिंग द्वारा किया जाए तथा साइडिंग में बंद सीएसआर मोड जो पहले प्राइवेट कंपनियां आके करती थी उसे पुनः चालू करवाया जाए, जिससे कि यहां के रैयत भी ट्रांसपोर्टिंग करके उस साइडिंग में जी खा सकते हैं। आपका परिचय। और एक चीज और है कि रेलवे द्वारा जो जमीन अगर अधिकृत किया गया है तो रेलवे का गवर्नमेंट का प्रावधान है कि दानापुर में जो रेलवे ने रैयतों को नौकरी दिया है वो नौकरी हमारे शिवपुर साइडिंग में इन रैयतों को दे। और दानापुर तो खैर दूर है, हमारे टनवा प्रखंड के पिपरवार के अंतर्गत आपका बहरा पंचायत में जो कारो गाँव है वहाँ के रैयतों को भी सीसीएल द्वारा रेलवे अधिग्रहण जमीन में सभी रैयतों को नौकरी मिला है और मुआवजा मिला है। मेरा नाम हुआ महेश महतो, ग्राम पोकला, पोस्ट कस्याड़ी, थाना टंडवा, जिला चतरा और शिवपुर साइडिंग का। यहाँ मेरे पूर्वज के नाम से 5 एकड़ 52 डिसमिल जमीन है जो जिसमें हम लोग खड़ा है, ये बगल में मेरा जमीन है
और रेलवे ट्रैक में भी गया है। रेलवे से कॉर्पोरेट कंपनियां प्रखंड खंडवा में संचालित है। 2014 में आम्रपाली एनटीपीसी मगध में जब संचालित हुई तो यह एक उम्मीद थी, उम्मीद की आशा किरण जगी थी कि इस क्षेत्र के लोगों को, नौजवानों को नौकरी मुआवजा सभी जो है से समय पर मिलेगा, लेकिन इस क्षेत्र में नौजवानों को कोई लाभ नहीं मिल पाया है। आज हम लोग शिवपुर रेलवे साइडिंग में बैठे हुए हैं रैयत विस्थापित मोर्चा के तहत। इसमें जितने भी विस्थापित लोग हैं अपनी मुआवजा और नौकरी के लिए यहां बैठे हुए हैं। मैं सुवेश राम कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष के नाते इस क्षेत्र के तमाम लोगों को के साथ संघर्ष में शामिल हैं और जब तक इन लोगों को हकाधिकार नहीं मिल जाता है तब तक मैं इनके साथ कदम से कदम मिलाकर के संघर्ष करने के लिए तैयार हूं। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट के घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करे विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, सहभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126, संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।